हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको अभी क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर टू फैक्टर एंड मल्टीपल चालू है, ठीक है ना। तो प्लीज प्लीज स्टे होम एंड सेव द लाइफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो पर आप लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी बगल में होगा, एक घंटी बना होगा उसको टन से बजा दीजिएगा, ठीक है ना। तो टन से आवाज करेगा, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम चालू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है ना। और यहाँ पर है कि यहाँ पर इस वीडियो पर आपको क्लास सिक्स से ट्वेल्व तक का सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंस सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और इलेवन ट्वेल्व का आपका स्पेशल मैथ मिलेगा, ठीक है, या तो हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, और बाकी तो क्लास का जो मिल रहा है मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फैक्टर क्या, फैक्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक अंक है, मान लिया जाए वो है जो दूसरे अंक को डिविजर कर देता है। बोलने का मतलब समझ लो, ये फैक्टर ऑफ फिर नंबर, कोई एक नंबर है या कोई एक संख्या है, इज एन एग्जैक्ट डिविजर, उसको माने एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, माने एग्जैक्ट उसको डिवाइड कर देता है। जैसे मान लिया दस है, मान लिया जाए दस है, तो दस को दो से भी काट सकते हैं, पांच से भी काट सकते हैं, एग्जैक्ट अगर कटेगा तो दो से भी पांच से भी कटेगा, लेकिन आंसर के हिसाब से आपको चलता है या बुक से जो भी कहता है, तो कहता है डायरेक्ट नंबर। तो आठ का तो वन से टू से फोर से भी कटेगा, पंद्रह का तीन से भी पांच से भी कटेगा, सत्ताईस का नौ से, बीस का चार से, बारह का तीन से, तो इस टाइप से आपका एग्जैक्ट डिविजन हुआ। कहता है मल्टीपल, एक मल्टीपल होता है जैसे एक दूसरे का देख लेता है, कहता है नंबर इज सेट टू बी मल्टीपल, कोई एक नंबर है उसको मल्टीपल कहते हैं, कैसे कहते हैं, ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर, जो उसका एक फैक्टर होता है तो उसी को भी मल्टीपल कहते हैं, लगभग सेम टू डू। बोलने का मतलब है यहाँ फैक्टर और मल्टीपल लगभग सेम हो जा रहा है, लगभग, ठीक है ना। एनी वे तो पंद्रह का मल्टीपल तीन, पंद्रह काट रहा है तीन से, ठीक है ना, यानी तीन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ, तो पंद्रह आने का चांस है, तो मतलब तीन को कुछ ऐसा अंक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पंद्रह आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से आठ तो चार का मल्टीपल हो जाएगा, दस दो का मल्टीपल हो जाएगा, यानी पच्चीस, तीन पांच का मल्टीपल हो जाएगा, अठारह नौ का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप इस तरीका से सोच समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर टू, ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर बोलने का मतलब है कि 20 कितना कितना से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वहां तक समझो, 20 को यानी 20 को हम कितना कितना, कौन सा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी सबसे कम से भी, चलो वन से भी 20 कट सकता है, टू से भी 20 कटेगा, चार पचे 20 भी कट रहा है, पांच चौ भी 20 कट रहा है, दस दुना 20 भी कट रहा है, 20 इकाई 20 भी कट रहा है, एनी वे इस टाइप से। 36 को भी कितना कितना अंक से काट सकते हैं, वन से टू से थ्री से चार से छह से नौ से बारह एटीन और 36 से हो जाएगा। 60 को वन से टू से थ्री फोर फाइव सिक्स टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी, मैंने शुरू से मैंने देखना है कि कितना कितना अंक से वो डिवाइड हो रहा है, कौन कौन सा अंक से वह संख्या है जो डिवाइड हो रहा है, डेट इज फैक्टर, ओके। यहाँ देखो मल्टीपुल, मल्टीपुल बोलने का मतलब कि कोई अंक है, ठीक है ना, उसको हम गुणा करेंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार मल्टीप्ली करते जाना है, मल्टीपल कर ले ही जाना है, ठीक है ना। एनी वे तो कहता है सत्रह, अब सत्रह पे इकाई सत्रह, सत्रह दूनी चौंतीस, सतरती है कॉमन, सत्रह चौवालीस, सत्रह पच्चीस पचास, यानी पांच को कहता था पांच को लिखना, और जगह जितना कहता है उतना लिख देना, ठीक है ना। एनी वे उसी टाइप से ट्वेंटी थ्री है, ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री यानी तेईस गुणे तेईस दून छियालीस, तेईस चौवालीस, छब्बीस पंद्रह, इस टाइप से आप कर सकते हो। आगे देखो इवेन और ऑड, इवेन क्या है, जो दो से डिवाइड हो, जो डिवाइड जो या मल्टीपल ऑफ टू, टू का मल्टीपल हो, टू का मल्टीपल हो या दो से डिवाइड हो, हम मल्टीपल ऑफ टू लिख दिया भाई, दो से डिवाइड ये भी याद कर लेना, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं जो। ऑड नंबर जो नॉट टू से डिवाइड, यानी नॉट मल्टीपल ऑफ टू, यानी जो दो का मल्टीपल नहीं हो या तो दो से डिवाइड ना हो, तो मल्टीपल नहीं होगा तो दो से तो नहीं कटेगा, या मल्टीपल टू से है तो इवन हो जाएगा, और टू से नहीं है तो आउट हो जाएगा। जैसे बत्तीस है तो बत्तीस दो से कट रहा है तो डेट इज इवन, और 37 है दो से नहीं कट रहा तो आउट हो गया, 50 है इवन दो से कट जाएगा, 58 भी कट से जाएगा, यहाँ पर 55 लिखते तो आराम से आउट रहता, तो टू से नहीं करता, डेट सो आउट आपके बुक में है,
बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ऐसे तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो छोड़ेंगे जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आराम से अगर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा कम रहे तो आप उसको क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे हिसाब से प्राइम नंबर कहता है, प्राइम नंबर जिसका टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, एक वन हो एक अपने ही सेल्फ यानी इट सेल्फ। जैसे मान लिया जाए एक 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 है जो प्राइम नंबर नहीं है, एक क्या है प्राइम नंबर नहीं है यानी वन, वन क्या है वन का फैक्टर वन, और कोई है नहीं है तो वो तो होगा नहीं सर। दू से चलो आगे चलो, दू दू को वन है, वन से भी कट रहा है और दू से भी कट रहा है यानी टू फैक्टर हो रहा है। थ्री को लेंगे तो एक से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है। चार लेंगे नहीं चार होगा, क्योंकि चार लेंगे तो यहाँ पर चार एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है यानी फैक्टर उसका तीन हो गया। तो तीन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओनली टू फैक्टर होना चाहिए। जैसे भी हो ओनली टू फैक्टर ही होना चाहिए। जैसे दो को लिए तो एक से दो से कट रहा, तीन को लिए एक से भी कट रहा, तीन से भी कट रहा, पांच लिए एक से भी कट रहा, पांच से भी कट रहा, सात एक से भी, सात से भी। तो आप इस एक तरह से उसको मानिए कि ऑड नंबर टाइप का ही है, लेकिन यहाँ ऑड इवन दोनों आ रहा है। जैसे मान लिया टू है तो इवन भी आ रहा है, ठीक है ना, और बाकी कुछ कुछ ऑड भी आ रहा है। एनीवे, लेकिन वैसा नहीं सोचना, लेकिन हमारे हिसाब से आप फैक्टर वन और इटसेल्फ के हिसाब से ही आप सोचिए बेहतर होगा, ठीक है ना। एनीवे आगे चलिए, देखो भाई यहाँ से कहता है बिटवीन, कहता है बिटवीन प्राइम नंबर, कहता है इतना इतना के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है हमको खोजना है, ठीक है ना। तो देखो भाई 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19, 23, 29, 31, 37 ये सब हो जाएगा। अब कहता है 80 से 100 के बीच से, तो 83, 89, 97। कहता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर VBI है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम डायरेक्ट मुंह पर होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर भी टू। देखो इवन भी है और प्राइम भी है, तो दोनों दो है याद रखना, ठीक है। कहता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है लेकिन ऑड में है, तो कौन, दो तो होगा नहीं तो तीन होगा, तो दैट्स ऑल। कहता है फाइंड प्राइम नंबर, यानी सेवन का प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा, होगा कौन, देखिए तो मैंने खोजना है कि कौन है। ऐसे आपके पास तीन चार को क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें तो दो को हम बता दिए हैं कि कहता है कि फाइंड प्राइम नंबर है तो 87। देखो 87 किसका किसका फैक्टर है, वन का भी, थ्री का भी, 29 का भी और 87 का भी, तो डेट नो प्राइम नंबर, यह क्या हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यह दो से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। यहाँ पर एक दो तीन चार फैक्टर है, लेकिन क्या कहता है प्राइम नंबर की टू ए फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो दो से ज्यादा है, दैट इज नो प्राइम नंबर। 89, 1 और 89 यानी इसका दो फैक्टर है, दैट इज प्राइम नंबर, सो ऑन, ठीक है। कहता है 7 कंसेक्यूटिव नंबर नॉन ऑफ प्राइम नंबर, कौन कैसा माने कुछ लगातार ऐसा संख्या है कुछ सात को जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, ऐसा प्राइम नंबर नहीं है लेकिन लगातार संख्या है, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर कहता है मोर देन टू फैक्टर, यानी दो से ज्यादा फैक्टर आवेगा तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, दो से ज्यादा जिसका फैक्टर होगा, और उसमें कहता है कि ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, जो सबसे कम, जो सबसे पहले एक तरह से मानो कंपोजिट नंबर कौन है, 9, 9 एक का भी है, 3 का भी है, खुद 9 का, वो तो डायरेक्टली क्या है कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आपका 10 हो गया। आगे दिखाते हैं, देखो यहाँ पर भाई कहता है ट्विंस प्राइम नंबर क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर मतलब जोड़ा होना चाहिए, कुछ दो को प्राइम नंबर होना चाहिए जो जोड़ा होना चाहिए, माने ऑलरेडी जैसे मतलब जैसे देख लो यहाँ पर पहले समझ लो, टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर और नॉन ट्विंस प्राइम, दो को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, दो को प्राइम नंबर होगा लेकिन ऑड भी होना चाहिए, दोनों ऑड होना चाहिए, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, उससे ट्विंस प्राइम। जैसे 53, 53 है तो 59 है, 61, इसमें चुनना है आपको, ऐसा में चुनना है आपको, मैंने चूज करना है कि कौन कौन, तो ट्विंस हो जाएगा 59 लिया तो इसके साथ बगल में कौन है 61, फिर 71 लिया तो 73 है, क्योंकि इसमें कुछ प्राइम फैक्टर भी है कुछ ना भी है, तो इसमें से चुनना है आपको कौन कौन जो जोड़ा है, कौन दो को ऐसा मैंने जोड़ा अंक है जो ट्विंस फैक्टर है, ठीक है ना, ट्विंस फैक्टर, ठीक है। आगे देखिए को प्राइम माने साथ वाला जो प्राइम है, को प्राइम फैक्टर, कहता दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, वैसा होना चाहिए कि दोनों को बीच, जैसे कोई लगातार संख्या या कंसेक्यूटिव नंबर है जिसके बीच में कोई ऐसा फैक्टर है ये नहीं है कोई, या कोई कॉमन नंबर नहीं है, जैसे देखो अगर दो तीन लिया तो इसके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तीन चार लिया नहीं है, चार पांच लिया तो भी नहीं है, आठ पंद्रह लिया उसके बीच में कोई है नहीं होगा, 9-16 में कोई कॉमन फैक्टर जो दोनों को काटे, 8 को क्या, 8-15 को कोई ऐसा अंक है जो काटेगा दोनों को,
नहीं काट सकता है, नहीं डिवाइड कर सकता है, 9 16 को काटेगा 2 से तो नहीं काट सकता है। एनीवे दोनों को काटना चाहिए, ठीक है ना, दोनों को काटना चाहिए, एक को नहीं है। जैसे मान लिया 8 को का लिया 15 को, तो दोनों को काटना चाहिए यार ऐसा। चल ठीक है, कुछ एक्सप्रेस करना है कि इसको मैंने दोनों को एक्सप्रेस करना है आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दोनों प्राइम में होना चाहिए, दोनों और प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो 36 तो 7 प्लस 29 42, 5 प्लस 37 84 और 70 प्लस 69 दोनों को ऐसा और माने दो को अंक ऐसा जोड़ना है, हमको जोड़ जाड़ के आना चाहिए 36 42 या जितना कहता है उतना, लेकिन दोनों जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए माने दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा लेना चाहिए, ठीक है। आगे तो इस तरह से आपको मतलब क्या बोलता है एक्सरसाइज 2 का ये समाप्त होता है। इसमें आप 2 का भी कहीं मत जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको और भी वीडियो आपको मिलेगा अच्छी तरीका से, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप लोग भी मेरे को मदद करो, ठीक है ना। मदद करो क्या, लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, आप शेयर कर दो सभी के पास, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ग्रुप से, या जैसे भी हो जाए आप उसको शेयर कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ यहाँ देखो भाई एक्सरसाइज 2 का भी है, इसी में डिविजिबिलिटी बता रहे हैं कि माने डिविजिबल होगा कौन कौन सा डिजिट है उससे कैसे कैसे डिविजिबल होगा, जो देख लो। कहता है 2 से डायरेक्ट नंबर यूनिट प्लस, जिसका यूनिट प्लस में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, एनीवे ऐसा हो माने तो जो 2 से कट जाएगा। 3 से काटने के लिए जो भी अंक रहे सभी अंक को जोड़ देना है बारी बारी से। जैसे मान लिया 99 हम लिए थे, 99 को 9 प्लस 9 कर दिए, और देखना है 3 से कट रहा है कि नहीं। वैसे अगर नहीं समझता है तो टोटल नंबर है ना, तो जैसे मान लिया कुछ भी आप नंबर ले लिया जाए टोटल नंबर, उसमें तो कोई तो टोटल जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लिया 1233 है, मान लिया जाए 1233 है, 1233 या 1232 है, मान लिया जाए कुछ है, तो टोटल नंबर को इसको ऐड कर देना, प्रत्येक नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करना, कटेगा कि नहीं जो देख लेना है, ठीक है ना। यानी उसमें जो भी डिजिट है सभी डिजिट को ऐड कर दो, टोटल डिजिट को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर देना। 3 से डिवाइड करने पर देखना, अगर कट गया तो ठीक है, डिवाइड हो गया तो ठीक है, ना तो खत्म। आगे देखो 4 से डायरेक्ट 2 नंबर और डिविजिबल बाई 4, अगर इस कोई ऐसा अंक है या कोई ऐसा संख्या है जिसको में से यूनिट प्लस और 10 प्लस, जो भी यूनिट प्लस और इसके बाद वाला प्लस जो होगा, यानी लास्ट से 2 अंक, लास्ट से 2 अंक अगर कट जाता है 4 से, तो पूरा अंक पूरा संख्या यानी पूरा नंबर कट जाएगा 4 से, ठीक है। एनीवे डायरेक्ट नंबर यूनिट प्लस, जिसका यूनिट प्लस में 0 5 हो तो 5 से कट जाएगा, यानी 5 से काटने के लिए जिसका यूनिट प्लस में 0 या 5 हो, ठीक है। कहता है डिविजिबल बाई 6, तो 6 से काटने के लिए 6 का फैक्टर 2 3 है, 6 का फैक्टर 2 3 है, यानी 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, डायरेक्ट 6 से भी कट जाएगा। और 7 से डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाई द अदर डिजिट, अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल 7। कहता है कोई नंबर है उसको में से फर्स्ट उधर से मतलब यूनिट प्लस से, यूनिट प्लस और उसके 10 प्लस तक लेना है, तो वो दोनों का जो गुना होगा वो दोनों का मल्टीपल और फर्स्ट और सेकंड प्लस, फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है दोनों का जो रहेगा, दोनों संख्या को रहने देना है। जैसे हम यहाँ पर सिखा दिए, यहाँ 826 है, यहाँ 6 × 12 लिया, 6 × 12 लिया तो 1 हो गया। अब 82 भी तो है इधर से ना, इधर से 82 है तो 82 लिया, तो 82 में से 12 घटा दिया तो 70, देखना है 100 से कट रहा तो ओके है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका हो सकता है, देख लीजिएगा। देखो भाई क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 जिसके इकाई स्थान में वह 0 5 8 हो कट जाएगा, पहला 0 है तो कटेगा, 5 है तो नहीं कटेगा, इकाई स्थान में 8 है तो कट जाएगा। कहते बोले थे जिसके यूनिट प्लस में 0 2 4 6 8 हो, तो देखो 0 है तो ठीक है, 5 है तो गलत है, 8 है तो सही है। डिविजिबल बाय 3 सभी अंक को जोड़ देना है, ऐड कर दिया 3 से डिवाइड किया, 13/3 नहीं कट रहा है, दैट इज नॉट, ठीक है। कहता है इतना है तो इसको सबको ऐड कर दिया, तो 12/3 4 से कट रहा है, यानी यस, ठीक है। यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 से 618 है, तो देखो 2 अंक काटना चाहिए, 4 से काटने के लिए इकाई और 10 प्लस, यूनिट प्लस और 10 प्लस दोनों को काटना चाहिए 4 से, तो दोनों कट रहा है, पहला नहीं कट रहा 4 से तो नॉट हो जाएगा, लेकिन 23/14 इसमें 4 से कट रहा है नॉट हो जाएगा, लेकिन 35/056 4 से कट रहा है 56, यानी यस हो जाएगा, फिर 24 कट रहा है तो यस हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से डिविजिबल बाय 5, देखो यहाँ इकाई स्थान पर जिस डिविजिबल बाय 5 के जिसके इकाई स्थान में 0 और 5 हो, तो 5 हो गया, यस 0 है तो यस, 8 है तो गलत, ठीक है।
डिविजिबल बाय सिक्स, इसके इकाई स्थान में छह के लिए दो तीन से काटना चाहिए, कोई ऐसा संख्या है जो टू और थ्री से कट जाता है, तो ये दो से कट जाता है, तीन से भी कट जाता है, यानी यस है। यहाँ पर देखो दो से कटता, तीन से लगभग नहीं करता होगा कि देख लेना, लेकिन हमारे हिसाब से नॉट है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय सेवन है। अब देखो सेवन मतलब क्या कहता है, कोई टू टर्म, अब इसको भी क्या करना है, छह दुनी बारह, छह दुनी बारह, छह दुनी गुना गुना करना है छह से, और माने इकाई इकाई प्लस माने यूनिट प्लस और टेंथ प्लस को मल्टीपल करना है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीपल कर दिया, अब फिर पहले वाले संख्या और सेकंड नंबर संख्या, इधर से पहले वाले संख्या एलएसएस से 82 ले लो, 82 में दोनों को घटा दो, घटाने के बाद 7 से डिवाइड करना है, कट जाता है, तो ठीक है, पहला कट जाता है, और 117 नहीं करता है घटाने के बाद, तो डेट इज सो ऑन। इस तरीका से आप समझ सकते हैं, वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कह रहा है कि डिविजिबिलिटी बाई आठ, तो अगर कहता है डिविजिबिलिटी बाई आठ का रूल क्या है, जो समझो 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, तीनों प्लेस को देखना, तीनों प्लेस को अगर 8 से डिवाइड हो जाता है डेट इज ओके, हो जाएगा, तो पूरा पूरा जो भी संख्या हो जाएगा डेट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो देखो तीन नंबर कट रहा है, नहीं कटेगा, तो नॉट लिखा गया, ये 138 आठ से नहीं कटेगा, नॉट लिखा गया, 976 आठ से नहीं कटेगा, मतलब कट जाएगा, सॉरी कट जाएगा, तो यस टोटल नंबर कट जाएगा, देयर आर 300 प्लस, 10 प्लस, यूनिट प्लस, ठीक है। एनी वे कहता है डिविजिबिलिटी बाय 8 हो गया। अब कहता है डिविजिबिलिटी बाय 9 से, 9 से काटने के लिए वही जो 3 वाला रूल है, सभी अंक जो सभी मतलब सभी नंबर को ऐड कर देना है, सभी नंबर को ऐड करने के बाद 9 से काटना, अगर कट गया तो सही है, नहीं कटा तो खत्म, तो सबको ऐड कर दिया, 9 से काटा तो यस है पहला, फिर सभी को ऐड किया 9 से, 12 बाई 9 नहीं करता है तो नॉट। कहता है डिविजिबिलिटी बाय 10, जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो, जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो तो 0 हो जाएगा यूनिट प्लेस में, देखो यूनिट प्लेस में 0 है तो 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है तो नहीं है, तो नहीं हो जाएगा, 0 वाला यस हो जाएगा। तो ये सब टाइप है, मतलब आसान है, बस एक दो बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर भाई कहता है डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल होने के लिए कहता है, अगर 4 3 3 4, सबसे पहले ऑड नंबर और इवन नंबर सीखना है, तो आउट प्लेस हो गया, जैसे 4 3 ये सब आउट प्लेस हो गया, तो यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ना है, पहले आउट प्लेस को जोड़ना है, फिर उसके बाद इवन प्लेस को जोड़ना है, 2 पर है 3 पर है ना, तो आउट प्लेस 2 पर और 4 पर है, तो आउट प्लेस एक बार आउट को जोड़ना है, आउट प्लेस को जोड़ना है, एक बार इवन प्लेस को, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जब जोड़ दिए मैंने ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, ऐड करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ आता है, या तो 0 आवेगा या 11 आवेगा या कुछ आ जाए, जो भी आ जाए वो 11 से अगर कट जाता है तो डेट सो संख्या डेट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ऐसे क्या है, 6 6 3 1 1, अब देखो 1 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, तो 10 आ गया, 6 और 1 जोड़ा था 7, दोनों को डिफरेंस कर दिया, दोनों को डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस डिफरेंस किया तो 3 आया, 3 11 से नहीं कटेगा, डेट इज नॉट डिविजिबल। अब कहता है वैसा 6 5 स्टार 5 डिविजिबल बाय 9, कुछ और भी है क्वेश्चन, आप उसको इसी टाइप से समझ के बना लीजिएगा, बाकी सब रूल बता दिए, ठीक है ना। तो कहता है स्टार की जगह पर कौन ऐसा संख्या डालना चाहिए, कौन ऐसा नंबर डालना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, पहले तो पूरा संख्या का पहले रूल क्या है, 9 से, 9 से रूल है कि टोटल नंबर को जोड़ देना है, टोटल नंबर को जोड़ के 9 से डिवाइड करना है, टोटल नंबर को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद स्टार तो साथ में रखेंगे तो 16 आया, 16 में कितना जोड़ेंगे, माने स्टार का वैल्यू कितना डाला जाएगा कि 9 से कट जाए, तो 2 डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ 2 डाला तो 18 हो गया, 18 9 से कट जाएगा, डेट इज नंबर इज 2, डेट आंसर इज 2 हो जाएगा। तो आप इस टाइप से बना लीजिएगा, ठीक है ना। आप अगला एक्सरसाइज में चलते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, ठीक। हाँ देखो भाई यहाँ से कहता है 2 का सी है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर तो करने आता है, 12 को 2 से 6 2 6 आया तो 2 को 3 से, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इस टाइप से फैक्टर कर सकते हो, लेकिन प्राइम फैक्टर मतलब उसको मैं कोई प्राइम नंबर ही आवेगा, प्राइम नंबर आवेगा तो बस परफेक्ट है कि आवेगा, ठीक है ना। तो उस तरह से 252 को तो 126 से, थोड़ा सा इसको देखो यहाँ पर, उसी टाइप से 252 है तो 2 से लगाया 2 से लगाया, 3 से 3 से 7 से, तो यहाँ 3 और 7 सब एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, उसी प्रकार 10 को निकाल लीजिएगा, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। 2 के डी में चलो, अब एचसीएफ निकालना है, सिर्फ इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने का रूल हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो अगर 84 को तोड़ना है तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 98 को तोड़ेंगे 2 गुने 7 गुने 7 गुने 1, अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, जो दोनों में संख्या मिल जाए, दोनों में मिल जाए,
जैसे दो मिला था, दो दोनों में मिल रहा था, एक दो दोनों के बदले एक दो लिखा, फिर दोनों में सात मिल रहा है तो दोनों के बदले एक सात लिया, सात सात दूनी 14, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो यहाँ से 72 है तो दुगने 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 3, ऐसा तोड़ दिया सबको, 108 को 180 को। अब तीनों तीनों में देखना है कि कॉमन, तीनों में कॉमन देखना है, तो दो आया दो आया, तीन आया तीन आया, तो दुगने दुगने 3 × 3 36 आ गया। तो इस टाइप से आपका ये एचसीएफ आ गया। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ से कहता है ग्रेटेस्ट नंबर, जब ग्रेटेस्ट नंबर का बात करें तो एचसीएफ निकाल देना, हम डायरेक्ट आंख मून के एचसीएफ निकालना है। कहता है रिमाइंडर 9 और 5 है, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो संख्या दिया उसमें रिमाइंडर को घटा देना है, घटा घटा कर ले आना है या डिफरेंस करके लाना है, और फिर ये दोनों का एचसीएफ निकाल देना है, डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। कहता है रिड्यूस, रिड्यूस करने के लिए कहता है इसको छोटा करना, तो ऐसे तो हम काट सकते हैं, लेकिन काट सकते हैं तो कितना से, जैसे आप लोग के जो भी क्लास में, ठीक है ना, ऐसे तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, लेकिन ये दोनों का एचसीएफ निकालो, ये दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए बाय रूल, यहाँ से आप यहाँ से एचसीएफ निकाल दिया, यानी इसको आप इतना से डिवाइड कर सकते हो, जो नंबर आया है एचसीएफ उससे आप प्रत्येक नंबर को आप डिवाइड कर दिया जा सकता है, तो 7/9 आएगा, दो जो आपका रिड्यूस किया हुआ आंसर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो आप उसको सीखिए, जो छोड़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो सिर्फ इसमें एलसीएम से ही मतलब है। ठीक है, कहता है 42 को जोड़ दिया, तोड़ दिया 273 में, 53 को 733, थोड़ा सा सेटिंग कर दिया कि थोड़ा अच्छा लगे हमको कॉमन लेने में, तो दो को तो दो है नहीं, सात है, सात के सामने सात, तीन 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 ही है, तो सात के दो को सात के बदले एगो सात लिए, दो को तीन के बदले एगो तीन, आप बाकी जो बच गया सभी को गुना कर दिए, तो इसमें एलसीएम है, जो जो जोड़ा अंक है उसके बदले एक वो अंक लेना है, और जो बच गया उसको भी गुना कर देना है, डेट इन एलसीएम आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 36, 60, 72 क्वेश्चन नंबर 4 का, तो दो दो तीन तीन, तीन बच गया, तीन भी लिख दिया, दो के बदले दो लिख दिया, पांच दो तीन सबको लिख दिया, गुना कर दिया 360 आ गया, माने आपको तोड़ लेना है गुना के रूप में इस टाइप से सभी को, और बस कॉमन देख लेना, अगर कॉमन मिल गया तो पहले कॉमन ले लेना, बाकी जो छूट गया सभी को गुना कर देना है, 7 थे तो आंसर हो जाएगा। चलो इतना है, अगर दो को संख्या दिया है, कोई 2 नंबर दिया है और उसमें कहता है हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले आप एचसीएफ निकाल दो, ठीक है, या दे दिया एचसीएफ तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो यहाँ पर आप एचसीएफ निकाल दो, डिवाइड रूल से भागा देखे, आप उतना तो जानते हो, तो एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम निकाल दे, तो दोनों को गुना करके एचसीएफ से डिवाइड कर दो, दैट इज रूल। देखो रूल क्या है, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये रूल से आप लगा दो, यहाँ पर दोनों नंबर पता है, एचसीएफ पता है तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है, या एलसीएम पता है तो एचसीएफ से, एचसीएफ निकाला था एलसीएम से डिवाइड कर दो तो एचसीएफ पता चल जाएगा, यानी कोई 2 नंबर दिया हो और एलसीएम या एचसीएफ में कोई एक दिया हो तो तीसरा निकल जाए, माने चौथा निकल जाएगा, यानी ऐसा ही होगा। अब देखो 2 नंबर दिया, इसको एचसीएफ 123 आता है मान ले निकालने पर, अब एलसीएम ज्ञात करना, दोनों को गुना को ऐसे डिवाइड कर दिया, दैट इज सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है वेरीफाई कहता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, तो आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दिया, ठीक है, दोनों में से एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है, निकालने के लिए रूल बता दिया, दोनों में जो कॉमन होगा तो एचसीएफ हो जाएगा, दोनों में कॉमन और नहीं कॉमन सभी को ले लिया तो एलसीएम हो जाएगा। अब तो फिर दोनों को गुना कर देना, तो 12 × 6 = 15 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है दोनों को भी गुना करेगा तो आ जाएगा 12 × 6 = 15 तो आ जाएगा, दैट इज प्रूफ हो गया, माने बराबर आएगा क्योंकि दोनों तो बराबर ना है रूल। अदर नंबर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फर्स्ट नंबर दिया है और एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया, सेकंड नंबर नहीं दिया, तो सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर, दैट इज सो ऑन, आपको 11/7/9 आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो भी प्रॉब्लम है आप इसको एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, इस टाइप के प्रॉब्लम को आज बनाना शुरू कीजिए, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन हम छोड़े आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, हमको लग रहा है 100% आपको बन जाएगा, ठीक है ना, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं। और बाकी इसमें जो भी है एलसीएम है तो आप तो एलसीएम, अगर तीनों अंक एलसीएम है तो तीनों वाला निकाल सकते हो, तो इस टाइप से आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कहता लिस्ट नंबर, बता रहे थे कि आपको लिस्ट नंबर पे हो सकता है कंफ्यूज, लिस्ट नंबर माने छोटी से छोटी संख्या, जब लिस्ट नंबर कहे तो आप इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ज्ञात कर लिया, एलसीएम ज्ञात कर लिया 15, 20, 24, 36, 32 का, ठीक है ना, आराम से 14 से 44, डेट इज ऑन आंसर। कहता है 9, 12, 15 कहता है 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में कोई बेल है जो इंटरवल में बजता है, एक बार 9 बजे, एक बार 12 बजे, एक बार 15 बजे, ठीक है, मान लिया जाए, बोल दिया ये 9 मिनट है, 9, 12, 15 मिनट में, ये मिनट है, डेट इज सोन मिनट, मिनट में बजता है, ठीक है ना, इंटरवल है,
इंटरवल में इतना इतना इंटरवल पर बचा, एक बार 9 मिनट इंटरवल पर, 12 मिनट इतना, तो एलसीएम निकाल लो इसका। क्या निकाल दो? एलसीएम ले लो। कौची ले लो? एलसीएम ले लो। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 3 से लगाए, ठीक है ना? क्वेश्चन है ये 3 से लगाए, चलिए ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर आ गया जाके 180 मिनट है सब, तो मिनट में आवेगा, 180 मिनट आया, तो मिनट में क्या, 180 मिनट तक हम इसको क्या कर सकते हैं? तो आप इसको 1 मिनट में, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट से इसको डिवाइड कर दिया जाएगी, 2/3 आवर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 घंटा तक, ठीक है ना? तो एनी वे इस स्टेप से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं, ठीक है ना? तो आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन बताना संभव नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो एक टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और स्टे होम सेव द लाइफ, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।